गाइस अभी बज चुके हैं 9:22 और ये हिस्ट्री में पहला होगा कि हमने इतनी जल्दी उठ के सबने चाय अपनी पी ली है, बिकॉज वीकेंड पे कोई भी इतनी जल्दी नीचे नहीं उतर के आता, सब ऊपर ही बैठे रहते हैं। पता नहीं ऐसी टाइम वेस्ट करना हमें अच्छा लगता है, बिकॉज यू नो वाई नॉट टाइम वेस्ट क्यों करना। चलो मैं बोलना ही छोड़ देती हूँ, मुझे बोलना आता। और अभी करेंगे पापा जी, सिमरजीत सिंह और तरुण भैया पीछे गार्डन की सफाई, और मम्मी और आशीति करेंगे नाश्ते की तैयारी, और मैं यहाँ बैठूंगी जो स्कीडिंग का है, मुझे भी काम है, मैं ऊपर जाके काम करूँगी, थोड़ा लीगल काम करना है कुछ पापा जी का, एंड कुछ और बाकी पर साफ सफाई करनी है मुझे बेसिकली। सिमर ठीक, और सिमर आपको दिखाएगा पीछे की सफाई और नाश्ते की तैयारी। गो सिमर। ओके गाइस, यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, यहाँ पे नाश्ता और यहाँ पे घास काट रहे भैया, घास काट रहे यहाँ पे गाइस, और ये यहाँ पे नाश्ता, पता नहीं क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है। अच्छा चावल ना देखो। ओके तो हमारे बन चुके हैं चावल के आटे के पराठे, आलू आलू इसके आयशी बना रही, आयशी ने इंडिया बनाए होंगे ना, तो हमने तो कभी खाई नहीं, करी बन खाएंगे। मैं तो खाऊंगा नहीं, क्यों मेरे इंडिया में खाई बहुत खाएगा, मनसा नहीं हो रहा, मनसा कैसे खाया गेहूँ का। हाँ अच्छा लगेगा, पर कराना कराना ना, ये बैन कर रखा डाइनिंग टेबल पे, और किसने आपने, मैंने कहा बैन, मम्मी आपके बाल इतने क्रेजी हो रखे हैं, सुंदर बाल लग रहे हैं ना, सुंदर लग रही नहीं, यहाँ से तो मैंने तुम्हारे कर के, मैं कह रही थी मैं नए घर में जाऊंगी, ऐसा करूंगी ऐसा करूंगी, इधर को मुड़ जाओ, नए घर में जाऊंगी ऐसा करूंगी ऐसा करूंगी, ये चप्पल नहीं करने दूंगी, ये कालीन पहन कर, कालीन उठा दिया पर हमारे घर के ना मानते, और ऊपर भी सीढ़ियों पर चप्पल, नीचे कोई रूल नहीं होया, रूल कोई फॉलो नहीं होया, मेरे अकॉर्डिंग घर में कोई रूल नहीं होना चाहिए, घर रहने के लिए होता है रूल फॉलो करने के लिए, तो हम स्कूल में भी जाती है गाइस, स्कूल में कहते हैं ये ना करो वो ना करो, घर आए मम्मी कहती है ये ना करो वो ना करो, इसलिए ऐसा लगता है कि हम जी कर क्या रहे हैं, ये भी ना करो वो भी ना करो, हम कर क्यों रहे जो भी कर रहे हैं, यू नो। और अभी अभी मेरे को नाश्ता नहीं करना, बिकॉज आई एम डाइटिंग, दैट्स व्हाई आई एम नॉट परोंठे खाइंग, घी वाले परोंठे खाऊंगी ना, तेल वाले बन रहे अभी तो मजाक करिए गाइस, हम जा रहे हैं बाहर मंदी को गला छोड़ी घर, क्योंकि शी डिजर्व्स इट, एंड मैं इसलिए आया गाइस लास्ट मोमेंट में, क्योंकि मंदी ने बोला मैं इसको पढ़ाऊंगी, तो मैं कह रहा पापा के साथ ही चलता हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है, तो फिर मैं आ गया, क्योंकि मेरा मन कर भी नहीं रहा, मैं तभी भी आ गया, तो मेरा पढ़ाई करने का भी मन नहीं कर रहा है, सो ये अभी हम जाएंगे गुरुद्वारे बर्मिंघम बर्मिंघम और जाएंगे मार्केट, मम्मी जा भी लेके जाएगी, आ जाएंगे एंड क्या पता मन थोड़ा ब्लॉग बनाए, वो भी आ जाएगा ब्लॉग के आगे, फिर आपको मिलते हैं जब हम पहुंचेंगे वहां पे। तो यहाँ पे क्रिसमस ट्री की क्रिसमस आने वाला, और यहाँ पे सारी डेकोरेशन जगह, हाँ क्रिसमस सेंटर हेलोवीन, यस भी हम आगे आए थे होम बेस, और फिर इसके बाद जाए थे माता लैंड, वहाँ पे हर एक सारी जगह एक भी है ना, मतलब एलडी पाउंडलेड आर्गोस टीके मैक्स सब कॉस्टो कॉफी यू नेम इट दे हैव इट, सो ये अभी हम जाएंगे पाउंडलेड, पहले हम गए थे होम बेस, पीछे वहाँ सामान लिया, खाद खूद आपको दिखाएंगे गाइस, आज गार्डन में जो भी करेंगे हम, जो भी करें कुछ करें भी ना तभी भी दिखाएंगे, एंड उसके बाद हम गए माता लैंड, वहाँ से भी अच्छे अच्छे सामान ले लिया मैंने, मम्मी पापा ने तीनों ने कुछ कुछ लिया अपने लिए, एंड अब जाएंगे हम पाउंड लैंड, छोटा मोटा सामान लेना उसके लिए, सो ये करते हैं, तो अभी मैं एलडी में, और अभी हम जैसे ऐसे खड़े हुए क्योंकि व्हाई नॉट, अभी हम क्यों में है आइस क्यों में, क्योंकि क्यों बहुत लंबी है और ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है,
तो ये अभी टाइम लगेगा थोड़ा गाइस, तो वेट करते हैं और फिर उसके बाद भी वेट करते हैं। गाइस अभी हम आ चुके हैं एलडी से, और अगर आप डिग्गी की तरफ देखोगे तो आप भी होपलेस हो जाओगे, मतलब होपलेस ही हो जाओगे आप। ये क्या कर लिया हमने, से इससे ज़्यादा फ्लफी सी है पर कलर सेम है, कलर सेम है। पापा भी मैच कर रहे, पगड़ी भी, जैकेट भी, जूते, और ये जूते जो लाइन सी है ना उसकी, जूते नाइक की, और जींस का स्टाइल है। यस गाइस, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक एक तब पापा जी बाहर रखते हैं ऐसे, यू नो व्हाट आई मीन, स्टाइल होते हैं सबका, एंड वी लव इट। सो ये अभी हम जाएंगे पता नहीं कहाँ, तरन भैया, तरन भैया हम कह रहे गुरुद्वारे, इसके बाद गुरुद्वारे जाना है हमें, हम लंगर खा लेंगे वहाँ पे, पर भूख ज़्यादा ही लग रही है तो हमें जाना पड़ेगा सब में। रिचार्ज यू नो गाइस, रिचार्ज अभी पैसे ज़्यादा खर्च नहीं हुए, थोड़े से और खर्च करने हैं, बैंक अकाउंट वगैरह थोड़े से रह गए। और मौसम बहुत सुहाना, ये एज लग रहा ना, जैसे 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 है ना। यस आप खाएंगे हम लंगर, जा रहे हैं गुरुद्वारे, एंड भैया बोला जा रहा है, एंड कल कोई स्पेशल ओकेजन है तो भी गाइस, कल एक स्पेशल ओकेजन है, राइट? कल नहीं है परसों, ना इस कल फॉर अस सेलिब्रेट हम कर लेंगे। अच्छा गाइस, हिंट इंडिया में तो कल ही शुरू हो जाएगा, जब यहां के 8 बजे से कम का टाइम का इंडिया में शुरू हो जाएगा। गुरुद्वारा साहिब एंड देन वी विल मीट यू देयर। सागर देखो आई मैं, सब व्हाट्स अप, गाइस हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा साहिब, एंड अब जाते हैं, और ये गुरुद्वारा है ना गाइस, हम पहले भी आए थे यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम आए थे दादाजी का पार्ट खाने। यस गाइस, एंड बहुत पीसफुल है, मतलब ये यू नो श्री गुरु सिंह सॉरी गाइस, ब्लाइंड हो रहा मैं सन की वजह से। सो ये लेट्स गो, और आप लंगर खा लिया, और चाय वॉज टॉप नॉच। जब हम आ चुके हैं गुरुद्वारा साहिब से, एंड इट वॉज हमने लंगर खाया गाइस, लंगर इतना ब्यूटीफुल यार, लाइक मतलब द चाय गाइस, चाय इतनी अच्छी थी, मैंने दो बार पी चाय बेसिकली, एंड रोटी खाई मैंने एक और आधी, एंड मैंने दाल खाई गाइस, बहुत डिलीशियस यार, टॉप नॉच। गुरुद्वारा बहुत शांति वाला है, मतलब शांति बहुत है, क्लीन बहुत है, पीस मेनली, पीस बहुत है गाइस। श्री गुरु सिंह सभा राइट हियर, विजिट राइट नाउ। सो ये गाइस लेट्स गो, अब जाएंगे हम टेस्को, उसके बाद जाएंगे हम B&Q, फिर जस्ट कॉल टॉप। और हे गाइस, आज कोई आ रहा हमारे घर, कोई आ रहा हमारे घर आज, एंड इट्स सागर भैया इज कमिंग होम, लेट्स गो। भैया वो पहली बार आएंगे हमारे घर गाइस, तो आई एम रियली एक्साइटेड, एंड आपको भी दिखाएंगे, लेट अस गो। चलो बैठते गाड़ी में। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं ऑटो कहने वाला था मैं, क्योंकि अभी हम दलजीत के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वो ऑटो में, पर अभी हम पहुंच चुके हैं अरीना, क्या बोलते हैं अरीना ही बोलते हैं कैसे, बस अच्छा अरीना पहुंच गए, अरीना मॉल्स गाइस, मॉल्स कह सकते हैं, बहुत सारे मॉल्स यहाँ पे, टेस्को एक्स्ट्रा है, JD है, करीज है, यू नेम इट, यहाँ पे। सो ये अब जाएंगे हम, पता नहीं कहाँ जाएंगे, प्रैक्टिकली हर एक उसमें, क्योंकि आए हैं तो जाना पड़ेगा। सो ये अभी हम जाएंगे टेस्को गाइस, इसके बाद जाएंगे हम JD, इसके बाद जाएंगे हम करीज, इसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट, इसके बाद जाएंगे हम घर फाइनली, नो उसके बाद जाएंगे हम B&Q। सो ये लेट्स गो, प्लान में चेंजेस हो सकते हैं, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। कोवेंट्री अरीना, इसमें दलजीत का भी हुआ था कॉन्सर्ट, मतलब रिसेंटली हुआ था, जा नहीं पाए क्योंकि टिकट गाइस फ्री में नहीं आती, और अगर आती भी है तो फिर मिलती नहीं,
देखिए भैया अभी भैया पापा को पूरा बना लेंगे कि चेडी में चलो, चेडी में चलो, क्योंकि भैया को जाना है, भैया को पैसे वेस्ट करने की लोड़ है। तभी हम आए टेस्को और बाहर इतनी भीड़ होती क्योंकि अरीना है ना जो स्टेडियम, वहाँ पे स्टेडियम है तो फुटबॉल मैच हो रहा था, पता नहीं किस टीम का पर हो रहा था, तो ख़त्म हो गया था तो सारे लोग बाहर आ रहे थे, इट्स रियली क्राउडेड। एंड अभी हम आए जेडी से, यहाँ पर मैंने अपने स्कूल के जूते भी ले लिए गाइस जेडी से, एंड भैया ने अपने पजामा ले लिया जेडी से। सो ये मौके पर चौका मार दिया गाइस हमने, लेट्स गो। तो ये अभी हम करेंगे ऐसे थोड़ी शॉपिंग, मुझे स्कूल का थोड़ा सामान चाहिए, ऐसे पेंडिंग था थोड़ा सा, ये वो करते हैं फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। एंड ये गाइस सागर भैया कमिंग, लेट्स गो सागर भैया कमिंग। अभी मैंने कैमरा ऐसे कर रखा है, मैंने एक बार में पाया गया चावल, अभी हम टेस्ट को जा सके। और यहाँ पे भी गाइस 72, चलो प्राइस तो नहीं बोलेंगे, ज़्यादा हो गया ये बोल देंगे। ओके ऐसे गाइस मैं ब्लॉग करता था, मैंने ऑन ही नहीं करा बटन, पापा से मैंने इंस्पिरेशन ली गाइस, ये और गाइस सागर भी आएंगे थोड़ी देर में, सागर भी पहली बार घर आएंगे, एंड ये गाइस मजा आएगा। So it's gonna be fun. I'm gonna show you. सबको दिखाएंगे आपको सब कुछ, और हम घर जाके खाना बनाएंगे, अभी जाएंगे B&Q, अभी हमारे गाइस हम आ चुके हैं घर वापस, और मैंने कपड़े चेंज किया, ये नहीं लाया था मार्टोलैंड से गाइस, कमेंट हाउस लुकिंग, और अब हम काम पे लगे गाइस, हम क्या पापा कर रहे काम, तो ये देखो फिर यहाँ पे स्पेशल गेस्ट के लिए, यहाँ है आपको हम फाइनल प्रोडक्ट दिखाएंगे गाइस, क्योंकि उसमें ही मजा है। एंड सागर भी अभी आने वाले, अभी तो नहीं आने वाले पर आ ही जाएंगे थोड़ी देर में गाइस, इन अब पे और हम लेने भी जाएंगे। तो यार सो गाइस ऐसे हमारे पास तीन है, दो भी मेरे ख्याल कहा था वो पड़े अंदर टेबल में कर लिए। अरे तो पहले हम ये मिट्टी ले गए अपने पीछे गार्डन से, अरे खाद है, मिट्टी और खाद को हम अच्छे से मिक्स करेंगे आज से, पूरा मिक्स करके फिर स्पेस बना के उसको मतलब इसको बीच में रखेंगे आस पास खाद और मिट्टी, ताकि इसको अच्छी वो गिरने वाले। और उसके ऊपर ये फिर वाइट ले गए तो दिखाएंगे आपको, वाइट पत्थर बिछा के ना देखो खाद ऐसी दिखती है, मुझे लगा ब्राउन होगी, ये तो पूरी पिच ब्लैक है, ऐसा लग रहा है कोयला है, ये गाइस खाद है और इसे मिट्टी के साथ मिक्स करके बनाते हैं ऐसे, जस्ट लाइक दैट। पिच ले लेंगे तो गाइस ये हमारा डन हो गया, नेक्स्ट में हम यहाँ लगा रहे हैं, आपको दिखाएंगे प्रॉपर कैसे लगाना है, लगाओ पता पता है सारा वैसी फॉर्मेलिटी वाली है, कैसे लगाना है गाइस ब्लॉक को लंबा बनाना, में ब्लॉक को लंबा बनाना दिखाना लगाते हम लगा कैसे रहे हैं। ओके अगर कोई गलती करी हमने गाइस कमेंट में बोल देना, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे लास्ट नेक्स्ट टाइम। हमने एक खाद और मिट्टी मिक्स करके इसमें डाल दी है, अभी थोड़ा सा इसको ज़्यादा नीचे नहीं करना, इसको ऊपर लिफ्ट किए करते हैं, मैं पता क्यों लगा रहा हूँ, व्हाई चलो स्पेशल लोकेशन पे मैं लगा रहा हूँ ना, तुम अच्छे गाइस कल स्पेशल लोकेशन है गाइस, आपको बताया था अर्ली इन द व्लॉग, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। चलो पी जाकर बर्थडे है कल तो नहीं है पर कल सेलिब्रेट करेंगे, फिर भैया काम पे जाएंगे मंडे को,
और आपको सारा ऑब्वियसली दिखाएंगे गाइस द फैमिली मेंबर्स एंड ये कांग्रेट्स टू भैया जी लेफ्ट हैंड शेक नो राइट हैंड शेक ब्रो या लेफ्ट गाइस बहुत अनलकी होता है अपेरेंटली पता नहीं क्यों पर होता है अभी मैं साइकिल चला रहा था क्योंकि मुझे इसका मुझे खेती का जिस वर्ड से भी शुरू होता है ना लेटर वो पता नहीं खेती फार्मिंग अच्छा फार्मिंग गाइस फार्मिंग एफ मुझे फार्मिंग का एफ नहीं आता गाइस पर मुझे साइकिल साइकिलिंग का सी से लेके जी तक आता है ऑलमोस्ट सही है मैं आपको कह रहा हूँ गाइस इमेजिनिए मतलब यहाँ पे अभी छोटे हैं जब बड़े हो जाएंगे ये वो ग्रीन वो देख रहे हैं आपको वाइट से स्लेप वहां तक जाएंगे एटलीस्ट राइट या अप टू देयर क्योंकि वो परफेक्ट है तो विंडो के बेम नहीं आएगा न्यू वर्ल्ड लगा था मैं तब लगा देनी चाहिए था हां तब तक हो जाते अच्छे से पर इन्हें पानी पीने की होगा ना वो देने पड़ेंगे और यहाँ पे गाइस लेटर कभी 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 ही मतलब हम करेंगे यहाँ पे भी तो ये उसके लिए भी स्टे ट्यून है ना हमारे चैनल पे वो ज्यादा इट्स द टाइम अब जाइए अब डालेंगे मार्बल्स लेट्स गो और इतना सुंदर लगेगा ये तो आप तो गाइस देख के आएंगे सो लेट्स गो पहले करते हैं हम ये नाउ द बर्थडे बॉय वेयर्स द ग्लव्स एंड डज द वर्क लेट अस गो प्लीज हमारा हो चुका है ये ऑलमोस्ट 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 एंड ये लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल ब्यूटीफुल बिल्कुल ब्यूटीफुल देखो दूर से भी और अगर पास का भी आप पूछो तो ऐसा लग रहा है ये गाइस बड़े होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो अंदाज लगा लो एंड या प्रीटी गुड प्रीटी नाइस पापा जी आपकी क्या फीडबैक है फीडबैक तो जो ब्लॉग देखते हुए आप कैसे लग रहा है आपको कैसे लग रहा है मेरे को तो अच्छा लग रहा है मेरे को तो बहुत शौक है इन चीज़ों का ना हाँ पापा गाइस फार्मिंग फार्मिंग का शौक है नॉलेज भी है और शौक भी है दैट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ये गाइस अब हम रोटी रट्टी तो क्या खाएंगे अभी सागर भी आएंगे लेट गो सागर भी को लेने जाएंगे गाइस हम सो उसके बाद हम खाएंगे रोटी और अभी मैं क्या पता साइकिल चलाऊँ मन कर रहा तो नहीं करा तो क्यों चलाएंगे पापा जी कैमरा पापा कह रहे मैं तेरा फेस गोरा करूँगा मेरा फेस गोरा कर रहे हैं मैं पूजा करके आई तभी तो तिलक लग रहा और आज हमारे यहाँ ये हाथ भी नहीं लगाया इसने हाथ पापा जी मेरा मुकरा नहीं आ रहा हाथ भी नहीं लगाया गाइस इसने इस पापा और कम से कम लगे पड़े अच्छा लग रहा आप फूल लाए थे वो भी कहीं लगाओगे फूल लगा दिया इधर वो ये फूल लगाया वो देखो इधर वहां क्यों लगा दिया ये वाला लगा देते बेटा इस पे कुछ लगा ना मम्मी मैंने सारा वो खराब हो जाएगा मैंने मैंने पानी तो गाइज अभी हमने ये पापा जी और ने हमने नहीं पापा जी और ने यहाँ पे ये कारीगरी की है और बहुत ठंडी हो रही रे रे भाई रे और पापा जी मेरी शिफ्ट है गल मुझे लग रहा था चुट्टी है वरे और यहाँ पूरे में पत्थर ऐसा लग रहा स्नोफॉल ही नहीं होगी मैं इतनी खुश थी पूरा दिन मैं सोच रही आज निकल जाए कल तो पढ़ के आराम से सोऊंगी फिर मुझे उसे शिफ्ट दे दी मैं उसके सिरों भी जाके मैंने कहा इस हफ्ते ने मुझे 6 दिन काम कैसे करवाया कह रहा हो ही नहीं सकता मैंने कहा 6 दिन काम करा मैंने इस हफ्ते तूने मेरे कल छुट्टी दी कह रहा फिर उसने बोला अपना सिस्टम चेक करा गया था मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी कल मैं सोच रहा गुस्सा चढ़ गया था एकदम मैं टूट गई इस बजाय ठंड हो रही है आटा गूंदना मुझे फटाफट एंड देन मिलते हैं आपको थोड़ी देर में और आ जाएंगे सागर भैया एंड अभी हो जाएगी इसे पता नहीं थप्पड़ ऐसा मारूंगी ना चिंचा करो इसका अर्थरण में पता नहीं किसे फिट बढ़ा रहे अर्थरण में का बर्थडे है पर कल परसों है पर कल मनाएंगे क्योंकि क्योंकि भैया परसों काम पे है गाइस भैया को नहीं मैं नहीं बोलूंगी गाइस यही एज में बर्थडे बुड्ढे बना लो जो तुम्हारी 21-22 तक 23 की एज है उसके बाद बर्थडे बुड्ढे नहीं बर्थडे के दिन काम पे जाना पड़ता है पापा जी भी काम पे जाते हैं भैया भी काम पे जाएंगे और मैं 18 साल से मैं तो स्कूल भी नहीं जाऊंगी तो स्कूल भेजेगा तू सारा सफर से जा रही इसे लग रहा है इसका बर्थडे बनाएंगे पर ऐसा है नहीं गाइस इसका बर्थडे और हम बनाओ मैं तो जाती हूं स्कूल में पहले बोल दिया मजा तेरे संडे है उस दिन मंडे है उस दिन हर बर्थडे में ऐसा नहीं होता मैं तो इंडिया आऊंगी मेरे बर्थडे पे
मुझे यही चाहिए कि मुझे कोई विश ही ना करे मेरे बर्थडे पे, पूरा 8 घंटे का स्टे हो और मेरा 26 भी वही निकल जाए, रिपब्लिक डे भी वही निकल जाए, हिमाचल डे भी वही निकल जाए, मेरा बर्थडे भी इसमें आ जाएगा। तो खुश हूँ मैं तो। अच्छी दुआ करी तूने मेरे लिए पहली बार जिंदगी गाइस अभी सागर भैया आ चुके हैं लंदन से हमारे पास, एंड मैंने जब से हमने घर लिया तब से मैंने मतलब जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए मैंने फर्स्ट टाइम देखा आज घर। तो भैया ने भी नीचे नीचे का देखा, भैया अच्छा लग रहा है, ऊपर का फिर भैया कल पूरा ओवरव्यू वो लेंगे हम, क्या बोलते उसे जो भी रिव्यू लेंगे उसका, और जो हमारे पर्दे लग जाएंगे गाइस तब हम आपको पूरा होम टूर देंगे, और जब एवरीथिंग सेटल हो जाएगी तब थोड़े मतलब एक दो हफ्ते में आ जाएंगे हमारे पर्दे। दिवाली के दिन हम दिवाली के टाइम पे हम आपको होम टूर देंगे, क्योंकि तब हम थोड़ा घर सजाए सजेंगे तो लाइट्स वगैरह से एवरीथिंग, तो हम तब आपको दिवाली के टाइम पे ही आपको हम होम टूर देंगे। तो गाइस और आज तो मेरा ना मूड खराब है, मुझे लगा मेरी कल छुट्टी है। I don't know why it's giving me so much. I'm getting oh my god, मेरे पिंपल हो गए गाइस, नजर लग गई। सो गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था, और अब मिलेंगे मैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। होप यू गाइस एंजॉय दिस ब्लॉग, सी यू गाइस नेक्स्ट, बाय।